हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइस आज मेरे पास आप लोग के लिए दो तीन अपडेट है, तो एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरो जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो गाइस अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते तो आपको पता ही होगा कि आलिया भट्ट के घर पर एक नया मेहमान आने वाला है, और इसको लेकर के आलिया भट्ट ने कल दो फोटोज भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। अब दोस्तों उस फोटो में किसी ने एडिट करके सरो जोशी के व्लॉग वीडियो को एडिट कर दिया, और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लोग सौरव जोशी के व्लॉग वीडियोस देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। और उसके बाद सौरव जोशी ने भी उस मतलब की फोटो को अपनी स्टोरी में टैग किया, और यहाँ पर कुछ इस तरह का उनका रिएक्शन था। वहीं दोस्तों इसी तरह सेम राउंड टू हेल ने भी अपनी स्टोरी पर एक फोटो अपलोड की, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि इस फोटो में राउंड टू हेल की जो जॉम्बी वाली वीडियो का थंबनेल यहां पर लगाया हुआ है। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस अब हम बात करते हैं संजय स्कीपर के बारे में, और इनके चैनल का नाम है मिनी जंपर। दोस्तों ये एक एथलीट हैं और ये खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो ये गाइस दिल्ली के गार्डन में प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहां पर अचानक से पुलिस आ जाती है और पुलिस इनको भगाने लगती है और मारने लगती है। जब ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ पर जंप वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस इनको पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद जेल में ले आती है, और वहां पर इनको बहुत मारती है और उसके बाद छोड़ देती है। इसको लेकर के इन्होंने एक वीडियो बनाया है, मैं आप लोग को इनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस हम लोग अभी प्रैक्टिस करने आए हुए थे, एक पुलिस वाला आया, हम लोग को भगाया, लेके गया। हम सारे जने थे, बहुत सारी भीड़ थी, हम सबको लेके गया और सब भग गए। मैं और अनिल और दानिश हम तीन जने रह गए, और गाइस हम लोग को इतना मारा ना इन लोगों ने, देखो अभी सब यहाँ लगे। देखो गाइस इधर भी चोट लिए, खून भी निकला मेरे। बस हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिस करने आए हुए थे हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब राजघाट ऐसी गलत चीज भी नहीं करी ना उसको लेकर, जो बोले हमें सीधा थोड़ी लोग कर रहे थे, हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे थे। उनको बोला भी था कि मैं ऐसे ऐसे एथलीट हूँ, आप लोगों को पता चाहिए कि मैं एथलीट हूँ, मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ मैं। और इन लोगों को बोला भी था, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, और हम लोगों को रूम में ले जाके इतना मारा, डंडे से मारा, थप्पड़ मारे, घूसे मारे। गर यही सपोर्ट है इंडिया में टैलेंट को, मतलब यहाँ पे लोग लड़की लेके आ रहे हैं, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम लोग सब नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पे, और हम लोग कह रहे समाधि के ऊपर कर रहे हैं, कह रहे समाधि के ऊपर कर रहे हैं। ये इधर जो हम पार्किंग कर रहे हैं, ये समाधि है, ये समाधि दिख रही है इन लोगों को। तो गाइस इस पूरे मैटर पर आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग की क्या राय है, आप लोग हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी और न्यूज अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा।